जिला पाठुना की ग्राम पंचायत तिगांव एवं नादनबाड़ी में ली पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आम सभा। जी हाँ, पाठुना लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, उसी प्रकार राजनीतिक पार्टियों के बड़े छोटे नेता लोकसभा में सभी क्षेत्र में पहुंचकर अपने अपने पार्टी के विकास को गिनाकर जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कमलनाथ ने अपने बेटे लोकसभा प्रत्याशी नकुलनाथ को विजित बनाने की अपील की और जिसमें उपस्थित पाठुना विधायक नीलेश उइके, जिला अध्यक्ष सुरेश झलके, पूर्व विधायक जतन उइके, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा को। मेरे लिए छिंदवाड़ा एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, छिंदवाड़ा मेरे लिए मेरी जिंदगी है। और आपने जो प्यार और विश्वास मुझे दिया, उस प्यार और विश्वास से जो बल और शक्ति मुझे मिली, उस बल और शक्ति से हम आगे बढ़े। 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव है और यह चुनाव कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का चुनाव नहीं है। यह चुनाव यहाँ बैठे एक एक कार्यकर्ता के अस्तित्व का चुनाव है, यहाँ बैठे एक एक महिला और बहनों नौजवान साथियों के चुनाव है। साथियों, आपको समझने की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और मंत्री कौन कौन फलाने और ठिकाने, सबकी नजर पांडुना छिंदवाड़ा में। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये छिंदवाड़ा और पांडुना की जमीन है, यहाँ कोई आ जाए कोई चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छिंदवाड़ा और पांडुना की जनता जैसे 40 सालों से माननीय कमलनाथ जी ने नाथ परिवार ने छिंदवाड़ा और पांडुना को अपने खून पसीने से संवारा है, सींचा है। आने वाले 19 तारीख को पांडुना और छिंदवाड़ा की जनता माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को भरपूर आशीर्वाद और सहयोग देकर देश के संसद में पहुंचाएगी। आदरणीय साथियों, कमलनाथ जी नकुलनाथ चुनाव से हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फर्क किनको पड़ेगा? यहाँ बैठे एक एक कार्यकर्ताओं को फर्क पड़ेगा। एक जो गरीब परिवार में किसी को इलाज कराने की आवश्यकता पड़ती है तो कमलनाथ जी उनका इलाज कराते हैं।